दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मैं होम थिएटर की वायरिंग करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों जो आप अपनी स्क्रीन पर होम थिएटर देख रहे हैं वह इंटेक्स कंपनी का है और चूहे ने इसके सभी तारों को काट दिया है, जैसे कि आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं। और जो इसका सबवूफर का स्पीकर है उसको भी आप देखें, उसका स्पाइडर, उसकी कॉइल, सब कुछ चूहे ने काट दिया है और इसको बिल्कुल ख़राब कर दिया है। अब मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसके कौन से तार को किस जगह लगाया जाए। और दोस्तों जो सबवूफर है इसमें आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप इस स्पीकर को ही ठीक कर लीजिए या फिर इसको नया बदल दीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं इसको रिपेयर नहीं करूँगा, इसको केवल बदल दूंगा, मैं पूरा का पूरा इसको चेंज कर दूंगा। लेकिन अगर आपको ये स्पीकर को खुद बनाना है, खुद आप इसको बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वह वीडियो देख सकते हैं और खुद अपने आप इस स्पीकर को बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके ट्रांसफार्मर में दो पार्ट हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो लाल वायर हैं ये प्राइमरी वाइंडिंग के हैं। और प्राइमरी वाइंडिंग को पता करने का तरीका ये है कि इसके तार ऊपर से आते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के तार नीचे से निकलते हैं। तो दोस्तों हम प्राइमरी वाइंडिंग पे कॉन्टिन्यूटी को मेजर करके अपने ट्रांसफार्मर को पता लगा सकते हैं कि ये सही है नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपने मल्टीमीटर को डायोड नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट करिए और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के तारों के बीच में इसकी कॉन्टिन्यूटी को मेजर करिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है हमारे मल्टीमीटर में और मल्टीमीटर की रीडिंग शो हो रही है 100 के करीब, जो यह दर्शाता है कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग सही है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने प्राइमरी वाइंडिंग को चेक करा है उसी तरीके से आप इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इसको और बेहतर तरीके से चेक करने के लिए आप इसके अंदर 220 वोल्टेज इनपुट दे दीजिए और उसके बाद इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में मेजर करिए कि यह कितनी वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है 12 वोल्टेज आउटपुट कर रहा है और इसके अंदर तीन वायर आउटपुट हैं, एक 0 वोल्टेज की है जो अर्थ है और दो तारों में ये 12-12 वोल्टेज आउटपुट करेगा। तो देखिए दोस्तों अब मैं अपने ट्रांसफार्मर में 220 वोल्टेज इनपुट देने जा रहा हूँ और हम अपने कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से मेजर करेंगे कि आउटपुट पर क्या यह इतनी 12 वोल्टेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर ये 12 वोल्टेज देगा तब हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर सही है, और अगर नहीं देगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर यह ख़राब है। तो आप वीडियो में देखें दोस्तों कि यह बिल्कुल सही तरीके से, जब हमने इसकी बीच वाली जो वायर है उसको हमने ग्राउंड माना और उसके रेस्पेक्ट में जब हम उसके दूसरे तार में वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं तो ये 12 पॉइंट समथिंग कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। उसी तरह दूसरे वायर में भी यह उतनी ही सेम वोल्टेज दिखा रहा है और इन दोनों तारों के बीच में दोस्तों वोल्टेज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो इससे दोस्तों हमें पता चलता है कि हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है। दोस्तों यह इसके वॉल्यूम कंट्रोलर का सर्किट है और वॉल्यूम कंट्रोल को किस तरीके से चेक किया जाए इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वॉल्यूम कंट्रोलर को चेक करना सीख सकते हैं। ये दोस्तों इसकी साउंड प्लेट दी हुई है, इसके अंदर आप देखें इसके अंदर 3 20-30 IC लगी हुई हैं और एक 45-58 IC लगी हुई है। ये देखिए दोस्तों ये जो आप 3 पिन देख रहे हैं यहाँ पर हमारे ट्रांसफार्मर से जो 3 पिन निकलेंगी वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगी, जिसमें बीच में 0 वोल्टेज है और इसके लेफ्ट और राइट में 12-12 वोल्ट की सप्लाई है। देखिए दोस्तों इसके अंदर 2 फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन दोनों फिल्टर कैपेसिटर में जो राइट वाला फिल्टर कैपेसिटर है इसकी पॉजिटिव पिन और लेफ्ट वाले कैपेसिटर की नेगेटिव पिन आपस में जुड़ी हुई हैं और यह आपस में जुड़ने के बाद ट्रांसफार्मर जहाँ पर कनेक्ट होगा उसकी जो बीच वाली पिन है उससे यह कनेक्ट हो रखी है। रेक्टिफाइड डायोड से वोल्टेज को रेक्टिफाई होने के बाद वह हमें +12 और -12 वोल्टेज की फॉर्म में मिलेगी और वह दोनों वोल्टेज हमारी IC के अंदर चली जाएंगी।
और देखिए दोस्तों, ये जो आप यहाँ पर अब दो पिन देख रहे हैं, इसके अंदर जो ऊपर वाली तीन पिन दी हुई है, यहाँ पर आपका बेस कंट्रोलर कनेक्ट होगा, और जो नीचे दिया हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर वूफर भी लिखा हुआ है, वहाँ पर हमारा वूफर कनेक्ट होगा। यह जो बेस कंट्रोलर है, इसमें बीच की वायर कॉमन है, और अगर लेफ्ट और राइट की वायर आपस में एक्सचेंज हो जाती है तो उससे फर्क यह पड़ेगा कि बेस कंट्रोलर उल्टी तरह से काम करेगा, लेकिन इससे नुकसान कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, अब इसके अंदर दो कंट्रोलर बचे हैं, एक ट्रेबल कंट्रोलर और एक वॉल्यूम कंट्रोलर। तो सबसे पहले हम इसके वॉल्यूम कंट्रोलर को कनेक्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 20, इसके अंदर 3 20 30 आईसी लगी हुई हैं, और आप दोस्तों इसमें देखें, इस आईसी में ये पहली पिन होती है, और यह तीनों पहली पिन इस आईसी की एक कंडेंसर के थ्रू वॉल्यूम कंट्रोल से कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि यह पहली पिन इसकी इनपुट पिन होती है। ये देखिए, इसकी पिन नंबर 1 कंडेंसर लगकर ये गई, इसकी पिन नंबर 1 कंडेंसर लग के ये गई ऊपर, इसकी पिन नंबर 1 कंडेंसर लगकर ये गई ऊपर, और यह सब पिन हमारे वॉल्यूम कंट्रोल के सेंट्रल पिन पर चली जाएंगी, और जो वॉल्यूम कंट्रोल का दूसरा पॉइंट है वह इसका अर्थिंग पॉइंट है, उसको आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसको या तो आप ये हीट सिंक से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो आपकी जैक लगे हुए हैं पीछे ऑडियो वीडियो, यह अर्थिंग पॉइंट इससे भी कनेक्ट रहता है, या फिर आप उसको इस जैक से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना ट्रांसफार्मर अपने साउंड प्लेट में कनेक्ट कर लिया है, और जो बीच वाली वायर है ये 0 वोल्टेज की है, जो हरी वायर है, और जो साइड की ये दोनों वायर हैं, इन दोनों वायर्स में 12 12 वोल्टेजेस हैं। दोस्तों, जो आईसी 2030 लगी हुई हैं, इसकी जो पिन नंबर 1 है वह इसकी इनपुट है, जहाँ पर हम साउंड को इनपुट देंगे, और जो इसकी चौथी पिन है वह आउटपुट है, इसकी चौथी पिन से हमारे स्पीकर कनेक्ट होंगे। तो दोस्तों, ये आईसी 3 है, तो इसके अंदर 3 आउटपुट होंगे, एक आउटपुट हमारे वूफर के अंदर जाएगा और 2 आउटपुट हमारे स्पीकर के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों, आप देखें, सबसे राइट वाली जो 2030 आईसी लगी हुई है, इसकी चौथी पिन यहाँ से होते हुए ऊपर पिन पर जा रही है, और वहाँ पर हमारा वूफर कनेक्ट हो रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर अपना वूफर कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारी 2 आईसी बची हैं। अब उन दोनों आईसीओ की जो चौथी पिन है, उन दोनों पिनों से हमारे 2 स्पीकर कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप देखें दोस्तों, जो उसके चौथी पिन है, ये घूमकर इस वाले पॉइंट पर आ रही है। ये देखिए, इसमें यहाँ पर आप 3 तार देख सकते हैं। इसमें से जो बीच वाला वायर है वह कॉमन है, जो ग्राउंड किया हुआ है, और जो ऊपर वाला तार है वो हमारा लेफ्ट स्पीकर है, नीचे वाला हमारा राइट स्पीकर की पिन से कनेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, इनपुट के कनेक्शन हमारे यहाँ से होते हुए इन तीनों वायर के थ्रू होते हुए आप देख सकते हैं, हमारे वॉल्यूम कंट्रोलर के अंदर चले जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, बीच वाला पॉइंट अर्थ है, और लेफ्ट और राइट वाले तार को आप आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बस उसका फर्क ये पड़ेगा कि वॉल्यूम कंट्रोलर उल्टी दिशा में काम करेगा। और दोस्तों, हमारे LED को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई इन दोनों तारों से दी जा रही है। तो दोस्तों, हमारी अब ये 5 वायर बची हैं, जो अब हमें कनेक्ट करनी है। इसमें तो देखिए दोस्तों, ये पहली नीली वाली वायर पहली पिन से कनेक्ट हो जाएगी, इसके बराबर वाली जो वायर लगी हुई है ये दूसरी पिन से कनेक्ट हो जाएगी, और जो तीसरी है सलेटी कलर की वायर लगी हुई है, यह तीसरी पिन से कनेक्ट हो जाएगी, और उसके बराबर में जो वाइट वायर है टूट गई है, इसको हम जोड़ देंगे, यह चौथी पिन से कनेक्ट हो जाएगी, और उसके जो बराबर में 5वीं आखिरी वायर लगी है, यह इसकी 5वीं पिन से कनेक्ट हो जाएगी।
चलिए फ्रेंड्स, हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम केवल अपने बायस कंट्रोलर के कनेक्शन को इस साउंड प्लेट में कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये पिन तीन पिन के कनेक्टर दिख रहा है और हम अपने बायस कंट्रोलर को इसमें कनेक्ट कर दिया। और दोस्तों, अब हमारी साउंड प्लेट में सभी तरह की वायरिंग हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमने पूरी कोशिश की है कि हम अपनी वीडियो को इस तरीके से बनाएं ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए। लेकिन फिर भी अगर आपको अभी भी इसके अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करें, अपनी प्रॉब्लम पूछें और हम जल्द से जल्द आपकी उस प्रॉब्लम का आपको उत्तर जरूर देंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप इस इंटेक्स होम थिएटर को बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ओके फ्रेंड, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।